पिछले हफ्ते दज्जालियात के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रखी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे पहले हज़रत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद दज्जाल आएगा और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद जो फैसला कुन जंग होगी फ़लस्तीन के करीब एक मकाम है, एक जगह है जिसको वादी हर मजदून कहा जाता है, इंग्लिश में उसको आर्मेगाडोन कहते हैं। वहाँ पर यह जंग होगी और इस जंग के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा कर दे। लेकिन मैंने ये बतलाया था कि ये जो तरतीब है, हम जो बात शुरू करेंगे, हम बात करेंगे पहले हज़रत मेहदी की, फिर हज़रत ईसा की और आखिर में दज्जाल की। लिहाजा हज़रत मेहदी की बात को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल ये है कि हज़रत मेहदी कौन हो। कौन होने का मतलब ये है कि उनकी ज़ात क्या होगी, नाम क्या होगा, किस ख़ानदान से होंगे, दुनिया के किस मुल्क और किस इलाके से होंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। हज़रत मेहदी के नाम के सिलसिले में अहादीस में मोहम्मद और अहमद नाम आया है, या तो मोहम्मद होगा या अहमद होगा। और वालिद के सिलसिले में अब्दुल्लाह का नाम मिलता है। अलबत्ता वालदा के सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती कि वालदा का क्या नाम होगा, लेकिन कुछ उलमा का कहना यह है कि वालदा का नाम आमना होगा। कहाँ पैदा होंगे कोई नहीं जानता, अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ पैदा होंगे, लेकिन ज़ुहूर जो उनका होगा वो मक्कतुल मुकर्रमा में होगा। ज़ाहिर जो होंगे वो मक्का मुकर्रमा में ज़ाहिर होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई 40 साल की उम्र में। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत की ज़िम्मेदारी दी गई तो अल्लाह के रसूल की उम्र 40 साल थी और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर उनको नबूवत दी गई थी। आप सब जानते हैं ये जो मेहदी हैं इनका ज़ुहूर मक्कतुल मुकर्रमा में हो और इनकी उम्र उस वक्त 40 साल होगी। अल्लाह के रसूल का नाम भी मोहम्मद और अहमद है और इनका नाम भी मोहम्मद या अहमद होगा। अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था, इनके वालिद का नाम भी अब्दुल्लाह होगा। ख़ानदानी एतबार से, सिलसिले के एतबार से ये अल्लाह के रसूल की औलाद में से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी जो होंगे वो अहले बैत में से होंगे। और अहले बैत हर आदमी जानता है कि अहले बैत में सबसे पहले अल्लाह के रसूल की अज़वाज हैं, बीवियाँ हैं, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को उसमें शामिल किया और फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत हैं। और हज़रत अली के हज़रत फ़ातिमा से दो बेटे हैं, एक हज़रत हसन है और एक हज़रत हुसैन है। लिहाजा अल्लाह के रसूल की इस हदीस ने यह बतला दिया कि ख़ानदानी एतबार से वो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से। अब ये दो बेटे हैं हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इनके सिलसिले में हज़रत उलमा ये लिखते हैं कि मेहदी हज़रत हसन की औलाद में से होंगे, हज़रत हुसैन की औलाद में से नहीं होंगे। और जो उलमा ने ये लिखा है उसके लिए उनके पास दलाइल मौजूद है। अलबत्ता ये हदीस ये कहती है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की औलाद में से होंगे। उलमा जो ये बात लिख रहे हैं कि हज़रत हसन की औलाद में से होंगे, उलमा की बात गालिब गुमान यही है कि 90% जो बात ये कहते हैं वही सही है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इस बात की वजाहत नहीं की कि हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। ख़िलाफ़ भी हो सकता है, लेकिन उलमा जो दलाइल पेश करते हैं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कानून ये है कि जो आदमी जिस चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको या उसकी औलाद को
उससे कहीं ज्यादा अता करता है। लिहाजा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत की खैर के लिए और उम्मत की हिफाजत की गर्ज से वो हक जो कि उनका था खिलाफत का, उसको छोड़कर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली थी। लिहाजा जो उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए ये कुर्बानी दी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद को ये शर्फ अता करेगा उनकी कुर्बानी की बिना पर कि उनको पूरी दुनिया की हुकूमत अता की जाएगी। मुल्ला अली खारी लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसहाक़ की औलाद में बहुत अम्बिया को पैदा किया, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी करीम अलैहिस्सलाम को तन्हा को पैदा फरमा दिया, जिसकी वजह से औलाद इस्माईल का कद औलाद इसहाक़ से बढ़ गया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल तमाम अम्बिया के सरदार। इसी तरह हज़रत हुसैन की औलाद में हमेशा से औलिया अल्लाह और मर्द मुजाहिद पैदा होते आए हैं, लेकिन हज़रत हसन की औलाद में उस पाए के अफराद पैदा नहीं हुए हैं। इसलिए गालिब गुमान यह है कि मेहदी हज़रत हसन की औलाद में होंगे कि वो तन्हा उन तमाम बुजुर्गान दीन के ऊपर फौकियत देगा। तो ये दलाइल हैं उलमा के, लेकिन यह कोई हतमी बात नहीं। तो हज़रत मेहदी का एक खाका मैंने आपके सामने रखा है, वो कैसे होंगे। ये रखने की वजह यह है कि आज के दौर में बहुत से लोग मेहदी होने का दावा करते हैं, और इस काम के अंदर सबसे पहले जिस आदमी ने कदम बढ़ाया उसका नाम ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है लानतुल्लाह अलैह, जिसने मेहदी होने का दावा किया था। तो यह बात मालूम हो जानी चाहिए कि मेहदी होने का दावा नहीं किया जाएगा, बल्कि जब मेहदी का ज़ुहूर होगा तो वो अपने मेहदी होने को छुपाएंगे और इनकार करेंगे, यानी ये ओहदा और ये मनसब जो है इसको हासिल करने से बचेंगे, इसलिए कि ये मनसब जो है ये फूलों का स्टेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है, कि इसको इख्तियार करने वाला आदमी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले। और दुनिया से दुश्मनी मोल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए अपनी जान और माल हर चीज़ को ख़तरे के अंदर डालना। लिहाजा ये जो दावा करने वाले हैं ये मेहदी हो ही नहीं सकते, इसलिए कि मैं आगे बतलाऊँगा उनके ज़ुहूर के सिलसिले में कि उनका ज़ुहूर कैसा होगा, ये उसके अंदर ये बात तफसील से आएगी कि कैसे इनका ज़ुहूर होगा और वक्त क्या होगा और किस ज़माने में होगा, हालात क्या होंगे। ये तमाम बातें जब ये मौका आएगा तो मैं बताऊँगा। लिहाजा ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी ये दावा करे कि मैं मेहदी मौजूद हूँ, यानी मैं मेहदी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये झूठा है, इसलिए कि हज़रत मेहदी का जब ज़ुहूर होगा तो वो ख़ुद इस बात का इनकार करेंगे कि मैं मेहदी नहीं हूँ। लिहाजा जो अपनी ज़बान से कहे वो मेहदी नहीं हो सकता। तो हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, फिर उन्हें मेहदी क्यों कहा जाता है। ये मेहदी उनका लक़ब है, नाम नहीं है। नाम तो मोहम्मद या अहमद ही है, लक़ब है मेहदी, और मेहदी के माना है हिदायत याफ्ता, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत पा जाएंगे। इसलिए कि इसी हदीस में हज़रत अली की हदीस के अंदर एक दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको एक रात के अंदर युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको एक रात के अंदर इस मनसब के लिए तैयार कर दे। ये जुमला यह बताता है नबी करीम अलैहिस्सलाम का कि वो आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता जहूर से पहले कि ये मेहदी होंगे। वो सिफात जो मेहदी की हैं वो सिफात उनके अंदर नज़र नहीं आती होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको उस दर्जे पर पहुंचाने के लिए सिर्फ एक रात ही के अंदर उनकी हालत को तब्दील कर देंगे और वो उस दर्जे पर पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक रात के अंदर ये काम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये कोई
मुश्किल भी नहीं है। इदा अराद शैअन क़ाल लहू कुन फयकून, के अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और कुदरत तो ऐसी है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा और वो हो जाया करता है। लिहाजा जब मेहदी का ज़ुहूर होगा तो उससे पहले की जो उनकी ज़िंदगी होगी वो एक आम इंसान जैसी होगी। आम इंसान जैसी होने का मतलब ये है कि ये भी मुमकिन हो कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल शबाहत बिल्कुल दीन जैसी ना हो, लेकिन यह करीन कियास नहीं है। इसलिए कि जिस ज़ात से अल्लाह तबारक व तआला को इतना बड़ा काम लेना हो, उस ज़ात की ज़ाहिरी शक्ल शबाहत अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो ऐसा समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी जो आम ज़िंदगी है वो आम इंसान की तरह होगी और उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं पाई जाती होगी जिसकी वजह से देखने वाला ये समझ सके कि यह आदमी वो है। तो ये मेहदी का एक खाका है कि मेहदी ऐसे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको किन हालात के अंदर दुनिया के अंदर भेजेंगे और उनका ज़ुहूर कैसे होगा, इस सिलसिले के अंदर चंद बातें कि दुनिया के अंदर ज़ुल्म बर्बरियत आम होगी, इंसाफ ख़त्म हो चुका होगा, मुसलमान जलील होंगे। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि मुसलमान दुनिया के अंदर भरे होंगे, मुसलमानों की तादाद तो होगी बड़ी, लेकिन दुनिया के अंदर उनके हाथ ज़िल्लत व ख़ारी के अलावा कुछ ना होगा और गैरों का उनके ऊपर मुकम्मल तसल्लुत होगा और दुनिया के अंदर इंसाफ का नाम की चीज़ मौजूद नहीं होगी और दुनिया में इंसानी खून पानी की तरह बहाया जाएगा। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला मेहदी का ज़ुहूर फरमाएगा। अलबत्ता मेहदी के ज़ुहूर के सिलसिले में यह बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि मेहदी के साथ कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, उनकी खसूसियात क्या होंगी। इसलिए कि हो सकता है कि हम वो ज़माना न देख सकें, लेकिन वो खसूसियात जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है उन खसूसियात को अपने अंदर उतारना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़िंदगी में वो हालात आए तो उन खसूसियात के बिना में हम उस जमात के अंदर शामिल हो सकें, या हमें अपनी औलाद की तरबियत उसी तरीक़े से करनी होगी कि अगर हमारे बाद हमारी औलाद की ज़िंदगी में यह हालात पेश आए और मेहदी का ज़ुहूर हो जाए तो हमारी औलाद में ये खसूसियात हों ताकि ये जाकर उसके साथ शामिल हो जाए। लिहाजा सबसे पहली चीज़ ये है कि मेहदी के ज़ुहूर की अलामात जो है उनमें सबसे अहम अलामत जो रिवायात के अंदर आई है वो ये है कि मेहदी का जिस साल ज़ुहूर होगा उस साल रमज़ानुल मुबारक के अंदर चंद चीज़ें आदत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर होंगी। मेहदी का ज़ुहूर होगा मुहर्रम में, मुहर्रम में और मुहर्रम की 10 तारीख में मेहदी का ज़ुहूर होगा मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। मुहर्रम से पहले जो रमज़ान आएगा इस रमज़ान के अंदर तीन ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कभी होती नहीं है, जब से दुनिया कायम हुई है जब से ऐसा नहीं हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई हफ्ते के अंदर 5, 6, 7 तारीखों के अंदर चांद ग्रहण होगा, जबकि जो लोग फलकियात को जानते हैं वो जानते हैं कि चांद जो ग्रहण होता है वो 13, 14, 15 में हुआ करता है। जब मुकम्मल होता है उस वक्त चांद ग्रहण होता है, चांद कभी इब्तिदाई या आखिर की तारीखों में नहीं होता। लिहाजा इस साल रमज़ानुल मुबारक में चांद जो ग्रहण होगा वो इब्तिदाई हफ्ते के अंदर होगा, रमज़ानुल मुबारक के शुरू में होगा जब चांद छोटा होता, और फिर महीने के दरमियान में सूरज ग्रहण होगा इसी रमज़ान में, जबकि सूरज आम तौर पर ग्रहण होता है आखिर तारीखों में चांद के एतबार से, और फिर आखिरी अशरे में आखिरी तारीखों में फिर चांद ग्रहण होगा। तो इस रमज़ानुल मुबारक में तीन ग्रहण होंगे और तीनों खिलाफ आदत होंगे, लिहाजा इस साल मुहर्रम में मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। लेकिन वो साल कौन सा होगा इस सिलसिले में करीने कियास कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिस तरीक़े से क़यामत के लिए कोई वक्त नहीं बतलाया है
کہ فلا سال اور فلا سن اور فلا تاریخ کے اندر قیامت آئے گی، اسی طریقے سے ان حالات کے سلسلے میں بھی کوئی حتمی بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے، اشارات بیان فرمائی. لہذا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہے وہ میری امت کا آخری مجدد ہوگا. یہ جو اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ آخری مجدد ہوگا، اس سے علماء کرام نے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ یہ ہے کہ مجدد صدی کے پہلے 50 سال کے اندر آیا کرتا، مجدد صدی کے پہلے 50 سال میں آیا کرتا ہے اور پھر اخیر کے 50 سال میں مجدد نہیں آتا. لہذا آج کے جو دنیا کے حالات ہیں، جب ہم دجالیات پر بات کریں گے تو اس وقت آج کے حالات پر بہت کھل کے بات ہوگی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی صدی ہے، اور اگر یہ صدی ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 1442 چل رہا ہے، تو 7 سال کے اندر اندر مہدی کا ظہور ہونا چاہیے. تو اگر ابھی 7 سال کے اندر نہیں ہوتا ہے تو پھر اگلے 50 سال نہیں ہوگا، پھر اگلی صدی میں. لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس 7 سال کے اندر مہدی ظاہر ہی ہو جائیں گے، یا تو اس 7 سال میں ہو جائیں گے، ورنہ پھر 15ویں صدی کے اندر ان کا ظہور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. اور ان کی کا ظہور کیوں ہوگا، اور میں نے ابھی یہ کہا کہ کن حالات میں ان کا ظہور ہوگا اور کیسے ان کا ظہور ہوگا، ابھی حالات اور وقت کے اوپر تو بات ہوئی ہے، اس کے بعد کے حالات اور طریقہ کیا ہوگا، اس کے اوپر اگلے ہفتے انشاءاللہ بات ہوگی.